थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच परमिट ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन के लिए परमिट होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के, उसी का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको आप फिगर में देखेंगे, जैसे आपके पास ये है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो ये आपके पास ए से आप बी जा रहे हैं, ये है आपका बी, ये है आपका ई थ्रेशोल्ड, यही है ई थ्रेशोल्ड, और ये आपका है डेल्टा एच। तो जो यहाँ बेस से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है, ये एनर्जी है एक्टिवेशन, ये एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, और ये पूरी एनर्जी जो है वो ई थ्रेशोल्ड है। तो आपका एक इक्वेशन बन रहा है ई थ्रेशोल्ड इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आप निकाल सकते हैं। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो आप इसको ई थ्रेशोल्ड माइनस ए कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन आपका आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड माइनस ए। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इमेजिन करके ज्यादा है, तो काइनेटिक ज्यादा होने का मतलब एक्टिवेशन क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो एक्टिवेशन अगर ज्यादा है, काइनेटिक अधिक है, तो टेम्परेचर का क्या होगा? कम इफेक्ट होगा। दूसरी चीज ये है, अगर काइनेटिक और ई टी एच माइनस ई ए अगर ये ज्यादा है तो काइनेटिक कम होगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम है और आप ज्यादा करना चाहते हैं, तो आपको टेम्परेचर यहां बढ़ाना पड़ेगा। और यहां करना क्या होगा? अगर एक्टिवेशन कम है, काइनेटिक ज्यादा है, तो यहां टेम्परेचर कम बढ़ाना पड़ेगा। ये दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर सकते हैं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, लेसर द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लोअर द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन, लोअर द वैल्यू ऑफ काइनेटिक। तो अगर लोअर द वैल्यू ऑफ काइनेटिक है, तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए यहां टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ग्रेटर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दैट रिएक्शन, उस टेम्परेचर पे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ऑन दैट रिएक्शन, ऑन दैट रेट ऑफ रिएक्शन। ये याद रखिएगा, एंड वाईसी वर्षा कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अगर एक्टिव एनर्जी क्या है? कम, काइनेटिक ज्यादा। अगर काइनेटिक एनर्जी अपने आप ज्यादा है, तो उस पर टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा? कम बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, तो उसको क्या करना होगा? अगर उसे रिएक्शन कराना है, आपको आगे ले जाना है, उसका टेम्परेचर आप बढ़ा करके काइनेटिक आपको बढ़ाना होगा। ये क्या होगा? यहाँ मोर टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ लेस टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नाउ वी डिस्कस एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? तो जितने भी वन स्टेप रिएक्शन होते हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं मोर देन वन स्टेप वाले होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं,
वन स्टेप रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच मोर देन वन स्टेप इज इन्वॉल्व देन दैट रिएक्शन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो वन स्टेप रिएक्शन जो भी होगा एलिमेंट्री होगा, अगर वो वन से ज्यादा है तो वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। जैसे आपके पास एग्जांपल है, मान लीजिए ए है, ए से आप जा रहे हैं सी जा रहे हैं, स्टेप फर्स्ट है और सी से आप बी आ रहे हैं, स्टेप सेकेंड है। और अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो ए बी आ जाएगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ये ओवरऑल रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं ए से सी, सी से बी, तो ये जो दोनों है वो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो ये आपका आ रहा है ए टू बी, ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन जाएगा, ये एलिमेंट्री रिएक्शन में आएगा, ये एलिमेंट्री रिएक्शन में हुआ। और जो ये सी आपका कट जा रहा है, तो सी आपका जो होगा वो कैटलिस्ट। तो कभी कभी ऐसे भी आपके पास आएंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन देगा, ओवरऑल रिएक्शन पूछेगा, और जो उसमें से कैंसिल होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो क्या हो सकता है? कैटलिस्ट हो सकता है। तो ये आपका सी है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस इज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।